हेलो चिल्ड्रेन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू ऑनलाइन क्लास. टुडे वी विल बी रीडिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम. द नेम ऑफ द पोएम इज पप्पी एंड आई, लेसन नंबर 14, क्लास 6. सो चिल्ड्रेन, बी अटेंटिव. दिस इज कविता आचार्य जी, टीचर.
I met a woman too. Now next stanza. Next stanza. I met some rabbits as I went walking. और लड़के अब रास्ते में जब मिले किसके साथ, रैबिट्स, रैबिट्स सम रैबिट्स, कुछ रैबिट्स मतलब खरगोश, एक नहीं था बहुत सारे थे, सम रैबिट्स, वी गॉट टॉकिंग, हम एक दूसरे के साथ बात करने लगे, रैबिट्स एंड आई, बहुत सारे खरगोशे और मैं दोनों बात करने लगे, वेयर आर यू गोइंग इन योर ब्राउन फार कोट्स, बच्चों ध्यान देना, Where are you going in your brown fur coats? आप कहाँ जा रहे हो आपके ये जो ब्राउन कलर का भूरे कलर का फर कोट्स है, रुएदार जो कोट है, जो खरगोश की जो रुएदार जो बॉडी होते हैं ना, कोई कोई खरगोश व्हाइट होते हैं, कोई कोई क्या होते हैं ब्राउन कलर के भूरे रंग के होते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्राउन फर कोट्स, रुएदार जो उसके बाल या उसके जो शरीर पे रहता है उसको बोलते हैं फार कोट्स. I said to the rabbits as they went by. मैं रैबिट से बोला जैसे ही रैबिट क्या कर रहा था, क्रॉस करके जा रहे थे, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ओट्स. रैबिट्स ने बोले हम लोग विलेज तरफ जा रहे हैं कुछ जई लाने के लिए. ओट्स भी होता है खाने का एक बहुत ही उपादेय अनाज होता है जिसको जई बोलते हैं, ये भी प्रोसेस करके बनाया जाता है, अनाज है एक. तो खरगोश क्या बोल रहे हैं, मैं जई लाने जा रहा हूँ, डाउन टू द विलेज टू गेट सम ओट्स, विल यू कम विथ अस, नो नॉट आई. रैबिट्स ने बोला क्या आप हम लोगों के साथ आना चाहते हो, अस मतलब हम लोगों के साथ, क्योंकि बहुत सारे रैबिट्स थे ना, उन लोग पूछे बच्चे लड़के से आप आना चाहते हो, नो नॉट आई, मैं आना नहीं चाहता. रैबिट माने खरगोश, फार कोट मतलब मुलायम रुए, ओट्स मतलब जई. नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. आई मेट अ पप्पी एज आई वेंट वॉकिंग. मैं एक पप्पी से मिला, पप्पी मतलब कुत्ते की बच्चा या पिल्ले. वी गॉट टॉकिंग, हम एक दूसरे के साथ बात करने लगे, पप्पी एंड आई, पप्पी और मैं बात करने लगे, वेयर आर यू गोइंग दिस नाइस फाइन डे. आप कहाँ जा रहे हो इतना सुंदर सा एक दिन में, नाइस फाइन डे मतलब सुंदर सा एक दिन. आई सेड टू द पप्पी एज ही वेंट बाय. मैं पप्पी से कहा मतलब पूछा कहाँ जा रहे हो पप्पी, अप टू द हिल्स टू रोल एंड प्ले. मैं जा रहा हूँ पहाड़ी के ऊपर में जहाँ खेलना है मुझे और रोल करना है, रोल मतलब गोल गोल घूमना है पहाड़ी के ऊपर जाकर. आई विल कम विथ यू पप्पी सेड आई. मैं बोला पप्पी मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, सेड आई, मैंने पूछा उससे कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, मैंने जवाब दिया. तो ये आपका पोएम है, ए मिल राइटर पोएट है, और बच्चा जो है किसी के साथ जाना पसंद नहीं किया सिवाय एक पिल्ले के साथ, क्योंकि बच्चा खेलना चाहते हैं और सभी जो के हैं अपने अपने काम पे व्यस्त हैं, काम के लिए कहीं जा रहे थे, लेकिन ये जो पिल्ला है कुत्ते की बच्चा वो रोल एंड प्ले करने के लिए जा रहा था, इसलिए बच्चा खुश होकर उसके साथ चला गया. पप्पी मतलब कुत्ते की बच्चा, हिल पहाड़, रोल गोल घूमना. तो ये था आपका पप्पी एंड आई, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पोएम. अब हम लोग पोएम को थोड़ा रिसाइट करके पढ़ेंगे, क्योंकि पोएम को रिसाइट करना है ना, रिसाइट करके पढ़ा जाता है. तो देखते हैं फर्स्ट स्टैंजा से क्या है. लेसन 14 पप्पी एंड आई. तो कैसे पढ़ेंगे बच्चों, ऐसे आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग. We got talking, man and I. Where are you going to, man? I said to the man as he went by. Down to the village to get some bread. Will you come with me? No, not I.
I met a horse as I went walking. We got talking, horse and I. Where are you going to, horse, today? I said to the horse as he went by. Down to the village to get some hay. Will you come with me? No, not I. I met a woman as I went walking. We got talking, woman and I. Where are you going to, woman, so early? I said to the woman as she went by. Down to the village to get some barley. Down to the village to get some barley. Will you come with me? No, not I. I met some rabbits as I went walking. We got talking, rabbits and I. Where are you going to? Your brown fur coat, I said to the rabbits as they went by. Down to the village to get some oats. Will you come with us? No, not I. I met a puppy as I went walking. We got talking, puppy and I. Where are you going this nice fine day? I said to the puppy as he went by. Up in the hills to roll and play. I will come with you, puppy, and said I, by A.A. Milne. Now come to the reading comprehension question answer. Who does I stand for in the title? I करके जो बताया गया है कौन है शीर्षक में, कविता के शीर्षक में I करके आया है ना बेटा, I met a man, I met a woman. तो I कौन है? I stand for a little boy in the title. I छोटा सा एक लड़का है, टाइटल मतलब शीर्षक में. Why does the child talk to everyone he meets on his way? वो लड़का जो है सबके साथ बात करता है, क्यों? सभी के साथ बात करता है उनके रास्ते में जो भी मिलते हैं. The child talks to everyone he wants to know. Where are they going? वो कहाँ जा रहे हैं ये जानकारी उसको लेना है, क्योंकि वो तो खेलना चाहते हैं और उनको जानकारी लेना है वो जा रहा है कहाँ वो लोग. Because he wants to play. वो खेलना चाहते हैं. Question number 3. Why does the child agree to go with puppy? वो जो बच्चा है वो क्यों पप्पी के साथ जाना एग्री कर जाते हैं, वो जाना चाहते हैं उनके साथ. द चाइल्ड एग्रीज टू गो विद द पप्पी बिकॉज द पप्पी वॉज गोइंग अप इन द हिल्स टू रोल एंड प्ले. बच्चा पप्पी के साथ जाना चाहते हैं क्योंकि पप्पी पहाड़ी में जाकर खेलना और रोल करके घूमना कर चाह रहे थे, और लड़का भी वही पसंद है उसको, इसलिए लड़का पप्पी के साथ जाने के लिए एग्री कर गया. Why does the child always say no, not I? लड़का हमेशा बोल रहा था, बच्चा हमेशा कह रहा था नहीं मैं नहीं आऊंगा. The child says no, not I, because he does not want to go with them. क्योंकि लड़का उन लोगों के साथ जाना नहीं पसंद कर रहे थे, सभी तो अपना अपना काम पे जा रहे थे और लड़का इसीलिए सबको बोल रहा था नो नॉट आई. एकदम लास्ट में जाके एग्री हुआ पप्पी के साथ जाने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5. लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल दोज हु सेड विल यू कम विथ मी. बहुत सारे व्यक्ति ने और एनिमल्स ने उनसे पूछा आप क्या मेरे साथ आना चाहते हो, वो कौन कौन है. द नेम्स आर एज फॉलोइंग. बच्चों ए मैन पहले बोला था ना, मैन क्या मेरे साथ आओगे, उसके बाद वोमेन महिला, हॉर्स ए हॉर्स और सम रैबिट्स. सबने पूछा था उनको कि आप आना चाहते हो, लेकिन लड़का पसंद नहीं किया क्योंकि उनको तो खेलना ही पसंद है और बाकी सब तो काम पे जा रहे थे,
इसलिए लड़का नहीं गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द क्वेश्चन दैट द चाइल्ड आस्क एवरीवन ही मीट्स। क्या प्रश्न सबसे वो बच्चा पूछ रहा था, आस्क मतलब पूछना, सबसे पूछ रहे थे बच्चा जिनसे भी मिल रहे थे, क्या प्रश्न था। द चाइल्ड आस्क एवरीवन ही मीट्स इज वेयर आर यू गोइंग टू। बच्चा सबसे पूछ रहा था आप कहाँ जा रहे हो सभी से, तो ये था उनका प्रश्न सबसे वो पूछ रहे थे। नाउ सेवेंथ वन, राइट द आंसर ही गेट्स टू हिज क्वेश्चन। कौन सा आंसर उसको सबसे मिल रहा था। ही गेट्स द आंसर टू हिज क्वेश्चन डाउन टू द विलेज टू गेट सम ब्रेड। व्यक्ति ने बोला, जो आदमी मिला था उन्होंने बोला विलेज जा रहा हूँ ब्रेड लेने, ब्रेड माने रोटी। डाउन टू विलेज टू गेट सम है, पैरा या सूखा घास लेने जा रहा हूँ। हॉर्स ने बोला डाउन टू विलेज टू गेट सम बार्ली। ए वोमेन महिला ने बोला मैं विलेज जा रहा हूँ क्या लेने, बार्ली या जौ लेने जा रही हूँ। डाउन टू द विलेज टू गेट सम ओट्स। रैबिट ने बोला, खरगोशों ने बोला, खरगोशों ने बोला कि मैं जा रहा हूँ विलेज तरफ कुछ ओट्स लेने, जई लेने। अप इन द हिल टू रोल एंड प्ले। लेकिन पप्पी क्या बोला, जवाब दिया मैं तो जा रहा हूँ पहाड़ी पे रोल एंड प्ले, गोल गोल घूमूंगा खेलूंगा। और क्वेश्चन नंबर 8, राइट द ओपनिंग लाइन ऑफ ईच स्टैंजा। सभी स्टैंजा में कविता की जो अलग अलग भाग होता है इसको स्टैंजा कहते हैं। सभी स्टैंजा में ओपनिंग लाइन क्या है, ओपनिंग मतलब शुरुआत की लाइन, शुरुआत की लाइन क्या है। द ओपनिंग लाइन्स आर फॉलोइंग। आई मेट अ मैन एज आई वेंट वॉकिंग। मैं एक व्यक्ति से मिला एज आई वेंट वॉकिंग। आई मेट अ हॉर्स एज आई वेंट वॉकिंग। आई मेट अ वोमेन एज आई वेंट वॉकिंग। ये बेटा आप लोग जब पोएम को याद करेंगे ना, सभी ओपनिंग लाइन को आपको लिखना है। आई मेट सम रैबिट्स एज आई वेंट वॉकिंग। आई मेट अ पप्पी एज आई वेंट वॉकिंग। ये ओपनिंग लाइन है, शुरुआत का लाइन है, सभी स्टैंजा की शुरू का लाइन है। तो ये था आपका क्वेश्चन आंसर। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। द मैन वॉज गोइंग टू गेट ब्रेड, व्यक्ति ब्रेड लेने जा रहे थे। द हॉर्स वॉज गोइंग टू गेट हे, घोड़ा क्या करने जा रहे थे, पैरा या घास लेने। द वोमेन वॉज गोइंग टू गेट बार्ली, जौ लेने जा रहे थे महिला। आपको केवल खाली स्थान में लिखना है जो रेड इंक में लिखा है। द रैबिट्स वेयर गोइंग टू गेट ओट्स, सम ओट्स भी लिख सकते हो, कुछ जई लेने जा रहे थे। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, नाइन्थ का बी। बेटा ये फूड का एक वेब है, इसमें यू हैव टू कंप्लीट द वेब चार्ट। तो मैं आपको कंप्लीट करके इसमें बोर्ड में दिखा रही हूँ। बी अटेम्प्ट की बच्चों, नाइन का बी जो है, नाइन का बी, बी में दिया है पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम रिलेटेड टू द फूड, है ना, भोजन या खाना से संबंधित कुछ शब्द है, वर्ड्स है आपका पोएम में। यू हैव टू चूज एंड पुट देम इन द वेब चार्ट। इसमें वेब चार्ट है बेटा, इसमें 4 वेब चार्ट्स आर देयर फूड से रिलेटेड। तो यू हैव टू फिल फूड से, एक है ब्रेड, फर्स्ट वन बी आर ई ए डी ब्रेड, सेकेंड वन है एच ए वाई हे पैरा, थर्ड वन बार्ली बी ए आर एल ई वाई बार्ली, फोर्थ वन इज ओ ए टी एस ओट्स, ओ ए टी एस ओट्स। तो ये सब क्या है, फूड से रिलेटेड है, खाना या भोजन से संबंधित है। यू हैव टू फिल द वेब चार्ट। नाउ
नेक्स्ट है वोकैबुलरी. नेक्स्ट है वोकैबुलरी. चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन पेयर्स. जोड़ी में है बेटा वोकैबुलरी, जोड़ी में है, यू हैव टू चूज, है ना. जोड़ी में है तो सिंगल तो लेना है ना. तो कॉज मतलब मोती, कॉज मतलब घुंघालू, बिट मतलब ताल, और ट्रीट मतलब चिकित्सा करना या किसी के साथ कुछ उपचार करना और या व्यवहार करना, उसको भी कहते हैं ट्रीट करना. फ्लावर्स माने फूल, टावर्स मतलब मीनार, या जैसे बोलते हैं हम लोग कि टीवी टावर, ये ऊंचे से जो मीनार टाइप का रहते हैं. और चीज ये एक क्या होता है, दूध से बना है ना खाद्य पदार्थ होते हैं चीज. और दीज मतलब ये, और चॉइस मतलब पसंद या चुनना, नॉइज मतलब क्या होता है शोर. तो द लिटिल गर्ल्स हैड टीथ लाइक पॉल्स होगा बेटा, इसमें फर्स्ट वन पॉल्स, PERLS, पॉल्स माने मोती, मोतियों जैसे दांत बच्ची की, फर्स्ट वन पॉल्स. सेकेंड वन द क्लाउड्स ब्रिंग्स शावर्स टू द थर्स्टी फ्लावर्स, फ्लावर्स सेकेंड वन फ्लावर्स. बादल क्या करते हैं, बादल फूलों के लिए पानी बरसाते हैं, है ना. और फूल क्या होते हैं, प्यासा होते हैं, पानी जब आते हैं तो वो प्यास बुझती है उसकी. थर्ड वन दे मूव देयर फीट टू द ड्रम्स लाउड बीट, अपने अपने पैर को क्या हुआ, जैसे ही ताल होते गए ड्रम बजाने के बाद, ताल में लय के साथ बच्चे को क्या हुआ, पैर जो है थिरकने लगे. ड्रम्स लाउड बीट, BEAT, बीट माने लय, बीट माने लय या ताल, है ना. डांस में या आप लोग ड्रम को बजाते भी हो. ही सेज ही एग्रीज विद दोज बट नॉट दीज, है ना. उन्होंने एग्री हुआ कि मानना, एग्री मतलब मान जाना कि मैं उनके साथ सहमत हूँ, एग्री मतलब सहमत हूँ ना, मान जाना. बट नॉट दिस, THESE, उनके साथ, ये सबके साथ मैं सहमत हूँ लेकिन इनके साथ नहीं. दिस, THESE. द मोस्ट नॉटी बॉयज मेक ए लॉट ऑफ, बहुत सारा शरारती बच्चे क्या करते हैं, नॉइज करते हैं, NOISE, नॉइज माने शोर, चिल्लाते हैं, शरारती बच्चे करते हैं. नाउ टाइम फॉर, बच्चों ध्यान से सुनेंगे इसको, ग्रामर पोर्शन है आपका, ग्रामर पोर्शन है आपका पेज नंबर 77 और 78, मे बी आपका न्यू बुक में 78 भी हो सकता पेज नंबर. ग्रामर करके है बेटा दिस लेसन, countable nouns and uncountable noun, countable noun and uncountable noun. तो noun क्या होते हैं, संज्ञा, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा. noun कोई भी नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा. कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी भी नाम को संज्ञा के नाम से हम कहते हैं. तो संज्ञा क्या हो सकता, countable भी हो सकता, गिन भी सकते हैं, कई बार नहीं भी गिन सकते हैं. जैसे मैडम लिखे हैं, बॉय, मैन, वुमेन, हॉर्स, रैबिट्स, पप्पी, इनको हम गिन सकते हैं, कितने लड़के हैं, कितने व्यक्ति हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने घोड़े हैं, कितने खरगोशे हैं, कितने कुत्ते के बच्चे हैं, इसको हम वी मे काउंट, है ना, गिनती कर सकते हैं. लेकिन अनकाउंटेबल, जिसको हम गिनती नहीं कर सकते बच्चों, ब्रेड, है ना. ब्रेड अगर बोलेंगे ए स्लाइस ऑफ ब्रेड तो उसको गिनती कर सकते, ए लोफ बोलेंगे गिनती कर सकते, लेकिन टोटल जो ब्रेड है ना, उसको गिनती नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल. हे मतलब पैरा, है ना, उसको भी गिनती नहीं कर सकते. बार्ली अनाज है, उसको भी नहीं गिनती कर सकते. ओट्स, उसको भी गिनती नहीं कर सकते. तो ये हुआ आपका ग्रामर की प्रश्न, इसमें दिया था. प्रश्न को मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ. एज यू नो सम ऑब्जेक्ट्स कैन बी काउंटेड एंड सम नॉट, आपको पता है कुछ जो होता है
शब्दों वो होता है काउंट कर सकते हैं कुछ को नहीं कर सकते. वी कैन नॉट काउंट, वी कैन काउंट ट्रीज एंड चेयर्स, हम पेड़ को चेयर को काउंट कर सकते हैं. बट वी कैन नॉट काउंट मिल्क एंड ब्रेड, पर हम लोग दूध को और ब्रेड को काउंट, सैंड को काउंट कर नहीं सकते. सैंड मतलब ब्रेड है ना, इसको हम काउंट नहीं कर सकते. ना ही हम वाटर को, पानी को काउंट कर सकते. वी काउंट काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउंस फ्रॉम द पोएम. आपको चुनना है इसी पोएम से काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन को. तो इस पोएम से मिला हम लोगों को बहुत सारा नाउंस, संज्ञा, जो जिसको हम काउंट कर सकते वो होगा काउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको अनकाउंटेबल. तो मैडम ने अलग अलग इसमें कॉलम में लिखे हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल. और यू मे एड मोर, है ना बच्चों, आप लोग इसमें जोड़ भी सकते हैं बहुत सारा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल कॉलम से. जरूरी नहीं है कि इसी लेसन से आपको जोड़ना है. यू मे एड सम काउंटेबल नाउंस एंड अनकाउंटेबल. तो ये रहा आज का आपका ग्रामर का प्रश्न, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का प्रश्न. नाउ नेक्स्ट आपका है होमवर्क है मैच फ्रेजेस इन कॉलम. कुछ मीनिंगफुल वर्ड्स जब एक साथ रहते हैं उसको फ्रेजेस कहते हैं बच्चों. मैच फ्रेजेस इन कॉलम ए विथ द राइमिंग वर्ड्स इन कॉलम बी. राइमिंग वर्ड्स मतलब होता है तुकांत शब्दों जिसका लास्ट टू लेटर्स क्या होता है, मेल खाता है. जैसे पेन, बैन, कैन, उसको कहते हैं तुकांत शब्द. जैसे बिग रेड हाउस, इसके साथ मेल खाता हुआ आपको जोड़ना है, लेकिन इसमें नंबरिंग कर लेना 1, 2, 3, 4 करके, उसके बाद इसको जोड़ना. बिग रेड हाउस मतलब बड़ा सा लाल रंग का घर, ब्राउन फायर पोर्स भूरे रंग का जो होता है, भूरे रंग का रूम, गोल्डन डे लाइट एकदम क्या है सुनहरा दिन, और डार्क क्लाउडी स्काई बहुत घने क्या है बादलों से घिरा आसमान. तो इसके साथ जो मेल खाएगा, राइमिंग होगा, तुकांत शब्द बनेगा, उसके साथ आपको एड करना है. न्यू रेड टाई, टाई जो आप लोग बांधते हो गले में, वाइट टाइनी माउस छोटे से क्या है एक चूहा, न्यू ग्रीन नोट्स और लिटिल ब्राइट काइट, ये सब क्या है मीनिंग के साथ आपको क्या करना है, तुकांत शब्द देखकर यू हैव टू मैच द फॉलोइंग. दिस इज योर होमवर्क बच्चों. इसको होमवर्क के बाद आप लोग को क्या करना है, पोएम को रीड करना है, रिसाइट करना है और आपको लर्न करना है इसको अच्छे से, क्योंकि पोएम को याद करना जरूरी है. सो बच्चों, दिस वाज योर लेसन नंबर 14, पप्पी एंड आर. सी यू नेक्स्ट डे बच्चों, टिल देन बाय.